बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का वला करते हैं जी शुरू। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग भाई जी। अपने तैयार हो चुके हैं भाई। मुदस्सर ने स्वेट शर्ट पहनी है, ऊपर ये भी जैकेट सी पहनी है इतनी गर्मी में, और मैं ये जैकेट पहन आया हूँ तो मतलब सीना पसीना आ गया हुआ है अंदर ना भाई। हाँ जी, टास्क कर लें जैसे आपको ठीक लगे यार। किदा पहले सब भाई मुदस्सर दा। तो अभी हम जा रहे हैं जरा टाउन तक, शॉपिंग बाकी तो हो गई थी। आज दो काम है, एक मैंने सिस्टर के यहाँ जाना है, उनसे मिल के आना है, बच्चों से मिल के आना है। दूसरा काम जो है पैसे जो हैं वो एक्सचेंज करवाने हैं, पाकिस्तानी रुपी को कन्वर्ट करवाना है रियाल में, तो रियाल लेके आएंगे अभी हम। भाई मुकर्रम आप भी करवाना चाहेंगे? माशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह। चलें जी अभी चलते हैं। पहले क्या होता है कि हम जाते हैं भाई मुकर्रम के यहाँ, भाई मुकर्रम को अपने साथ लेते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज भाई मुकर्रम हमारे पास आए हैं और आज यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हमने ऐसे इधर से होते होते जाना है जंगल में से होते होते टाउन ना। तो भाई लोग निकल चुके हैं, अभी पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, तो मैंने ये जैकेट पहनी हुई है ना, तो खड़ा था तो अंदर पसीना आ गया हुआ था, मतलब गर्मी गर्मी लग रही थी। लेकिन अभी जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया है ना, तो हवा लगी है तो सुकून मिला भाई साहब। ओए ओए नेवला था वो यहाँ पर गुस्सा भी, लेकिन ये नज़र नहीं आता खेत में ऐसे घुसता है। और ये अब खेत देख रहे हैं ना, ये सारी धान की फसल है, लेकिन हवा की वजह से नीचे गिर गई हुई है। या तो ये हाथ से काटेंगे या फिर हार्वेस्टर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये साग भाई के बच्चे लगे हुए हैं, साढ़े वाली दी है, सही हो गया। ये हमारा खेत जो है उसकी है ये धान की फसल, हमने ये खेत इसहाक भाई को ठेके पे दिया हुआ है, तो ये उससे निकली है, तो इसमें से हमारा हिस्सा कुछ नहीं होगा, ये सारी इसहाक भाई की है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, सारा कुछ उन्होंने किया था। ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, बिल्कुल जंगल के साथ, ये भी अपना खेत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये हम काश्त नहीं करते हैं, ये इसहाक भाई ही काश्त करते हैं। तो उन्होंने बीच में ना चारा काश्त किया हुआ है, उसके अलावा सब्जियाँ भी काश्त की हुई हैं, मूलियाँ शलजम वगैरह। ठेके का क्या होता है कि साल का हिसाब होता है, एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि देनी होती है इसहाक भाई ने हमें। अभी जंगल के अंदर से गुजरना पड़ेगा क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, देख रहे हैं अपना जंगल, और जंगल की जो खुशबू है ना इसकी तो क्या ही बात है, जंगल में से जब गुजरते हैं ना, आए हाय 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 मज़ा आता है। और जंगल के अंदर ठंड भी लग रही है क्योंकि दरख्त काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए कहते हैं कि दरख्त लगाओ वक्त जगाओ। दरख्त जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, माहौल के लिए, तो दरख्त काटे नहीं बल्कि लगाएं। ओए होए 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 होए, अंदर से गुजरना पड़ेगा, इधर से और ऑप्शन नहीं है, इधर से गुजरना पड़ेगा। हाँ जी मैं गुजरता हूँ ना, गुजर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर, क्योंकि आपने शूज़ पहने हुए हैं और मैंने चप्पल, कुछ नहीं है। आ जाएँ, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी जी हम जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करवाने के लिए टाउन, हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। रियाल ले लिए हैं, ये 2000 रियाल हैं इस वक्त मेरे हाथ में, 1000 मेरा है और एक भाई मुबशर का। भाई जान थोड़ा ख्याल करना है क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है और लूट मार कहीं भी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। मजाक कर रहा था मैं भाई मुकर्रम के साथ, क्योंकि अभी भाई मुकर्रम की जेब जो है ना वजनी वजनी है, क्योंकि 1000 रियाल है इसके अंदर। तीन रोड़ा पाग लोगों का दास चढ़ो, क्या देखो 1000 रियाल, क्या देखो भाई मुकर्रम लौट लो। हम हैं भाई अब्दुलरहमान की शॉप पे अपने भाई मानी, अभी वो साउथ कोरिया में हैं, जब से वो साउथ कोरिया गए हुए हैं ना, उसके बाद मैं पहली दफ़ा उनकी शॉप पे आया हूँ। तो भाई सब आगे ना, मतलब इनकी कमी महसूस हो रही है हमें, लेकिन हमारे भाई जो हैं इस वक्त साउथ कोरिया में हैं, उनके बड़े भाई जो हैं भाई ज़ाहद वो शॉप पर हैं, लेकिन हमारे भाई अब्दुलरहमान नहीं हैं। उनके साथ हमें ज़्यादा जो है ना हंसी मजाक था, भाई ज़ाहद के साथ भी है लेकिन उनके साथ थोड़ा ज़्यादा था। अस्सलाम वालेकुम स्पाइडर। तो अभी जी मैं सिस्टर के पास आया हुआ हूँ, तो बच्चों से मिल लिया है, बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलके। इधर रहा हज़ैफ़ा, हमदान, मेरा स्पाइडरमैन और उमेहानी। हम पहुँच चुके हैं नारा डेक पे, तो पहले ये 70 वाले भाई जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी। चलो भाई। हाँ जी हाँ जी, जा रहे हो घर को? वीडियो बनाते नहीं, सही गल है, वीडियो चल तुर जानी है, चाड़ दिया।
इस्तेमाल कर लेंगे। पैनाडोल मैंने सुना था कि बंद हो गई हुई है, लेकिन अगेन मिलना शुरू हो गई हुई है, जो कि अच्छी बात है। बंद गर्म दे दें अपनी दवाई। ये कपड़े हैं जी, जो घर वालों ने इस्त्री करके रख दिए हुए हैं। ये सारे कपड़े जो है ना, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी गिन लूंगा कितने सूट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सूट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इशा की नमाज अदा कर ली है, और मैं नमाज जो है ना अपनी इस चंबो पे आया था अदा करने के लिए, और ये बाहर ही खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पैदल क्या जाना है, बाइक पे चलते हैं, हड हरामी सुस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पैकिंग अपनी शुरू है। आप कह सकते हैं कि 70% जो है ना मैंने पैकिंग कर दी है। अगर आप पहली दफा उमरे पे जा रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। जब मैं पहली दफा उमरे पे गया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि कौन कौन सी चीजें लेके जानी होती हैं। लोगों से सुना था कि वहां पे खाना पकाना सब अपना होता है, ये होता है, चाय खुद बनानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। तो हम घर से चावल, पत्ती, चीनी, पता नहीं क्या क्या उठा के ले गए थे, लेकिन वहां पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ था हमारा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ऐसा मत कीजिएगा, सब कुछ वहां से मिलता है। आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, सब खाने वहां से मिलते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। खाना वगैरह जो है ना सस्ता भी होता है और सब कुछ मिल जाता है वहां से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों की जरूरत होती है ज्यादा, ताकि आप एक्स्ट्रा चीजें ना लेके जाएं। सबसे पहले हो गया जी एहराम, अगर आप उमरे के लिए जा रहे हैं तो। और उसके अलावा आपका जितने दिन का टूर है, उस लिहाज से अपने कपड़े रख लें, और एक हवाई चप्पल सही है ये रख लें। ऐसी कैंची चप्पल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी ऐसी चप्पल नहीं होनी चाहिए कि जो आपका पाँव जो है ना उसे कवर कर ले, ऐसी नहीं। कैंची चप्पल मेरे लिहाज से बेस्ट है, ये वाली रख लें। उसके अलावा कुछ ऐसा बैग ले लें वहां पे, इसमें आप अपना जूता वगैरह रख सकते हैं, और फिर अपने साथ इसे रख लेंगे सही है, जब हरम में आपने जाना है तो ये कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपने शूज रखने हैं तो रख सकते हैं, मर्जी है, ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। गर्मी होती है वहां पे, तो इतने मोटे कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं तो एक और जैकेट रख लें। और मेरे ख्याल में कोई ऐसी अहम चीज नहीं है, शैम्पू वगैरह वो तो आप साथ रखेंगे, लोशन वगैरह और इतर वगैरह, और ये चीजें तो आप रखेंगे, कैप भी होगी, तो यही चीजें हैं मेन। एक्स्ट्रा चीज कोई भी ना उठाएं। पंजाबी की कहावत भी है कि थोड़ा लद ते छेती चल, मतलब थोड़ा उठाओ और जल्दी चलो। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुलाब्दीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।